स्टोन केशर पर कोसी नदी से अवैध खनन कर लाया गया टम्प बरामद। स्वार उप जिलाधिकारी ने किया सीज। रामपुर की तहसील स्वार के उप जिलाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता ने राजस्व विभाग की टीम को साथ लेकर घोसीपुरा पट्टी कला के मन्नत स्टोन क्रेशर पर की छापेमारी। कार्यवाही उप जिलाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता और राजस्व विभाग की टीम ने मन्नत स्टोन क्रेशर पर नदी से लाए गए अवैध खनन के भंडार की नाप तोल कर कार्यवाही की है और अग्रिम आदेशों तक स्टोन क्रेशर का संचालन बंद कर दिया गया है। इस बड़ी कार्यवाही से खनन के धंधेबाजों और स्टोन क्रेशर स्वामियों में हड़कंप मचा है। तहसील के प्रशासनिक अधिकारी अवैध खनन को लेकर बड़ी से बड़ी कार्यवाही करते रहते हैं, लेकिन अवैध खनन के धंधेबाज खनन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस बड़ी कार्यवाही से खनन के धंधेबाजों के हौसले पस्त हैं। रामपुर से फिरोज खान की रिपोर्ट। जो स्टोन क्रेशर है, क्या कार्रवाई है? पट्टी कला में मन्नत स्टोन क्रेशर है, उस पर मैं सुबह 4 बजे यहाँ से पट्टी क्षेत्र के लिए गया और वहाँ खनन के निशान दिखाई पड़े। उन्हीं के सहारे मैं गया तो मन्नत स्टोन क्रेशर पे कम खुला हुआ, उसकी पैमाइश करा के उसकी जांच करके जो स्टॉक है उनका उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में था, तो उसको उसका संचालन तत्काल रोकते हुए और उसकी कार्यवाही के लिए बहुत ही सब कुछ सूचनाएं मिली है। सूचनाओं पे ही कार्यवाही की। आज आपने पौधारोपण भी किया है, बचाने के लिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इसी उपलक्ष्य में मैंने वहीं पट्टी कला में ही गाँव में वृक्ष लगाए हैं और इससे लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की है, पर्यावरण बचाना बहुत जरूरी है, नदी को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, इसलिए अवैध खनन न। आपके द्वारा लगातार कार्रवाई हो रही है, बहुत सारे मुकदमे भी हो गए दर्ज, मगर उसके बावजूद भी खनन माफिया नहीं रुक रहा है। हाँ, अब ये एक तरह से संघर्ष है सरकार की तरफ से और हम लोग कर रहे हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं कम से कम हो, और जो माफिया हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही लगातार हमारी जारी रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि ये न हो। ठीक है सर।